साथियों, तेजी से होता हमारा शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। आज अपने मौजूदा शहरों को डेवलप करने और नए शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अर्बन प्लानिंग हमें बहुत काम करना है उस क्षेत्र में। इसमें भी हमें ऐसे वॉक टू वर्क कंसेप्ट और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करना है, जहां श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर अरेंजमेंट्स हो। अर्बन प्लानिंग में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे यहां एक ग्रुप ने बड़े शहरों के लिए नेशनल साइकिलिंग प्लान और कार फ्री जोन्स की बात रखी है। ये शहरों में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा, मैं जब COP26 की समिट में गया था, तब मैंने एक मिशन लाइफ की बात कही है। और ये लाइफ का मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ। और मैं मानता हूं कि हमने लोगों में उन चीजों को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, जैसे एक P3 मूवमेंट आज अनिवार्य है। प्रो प्लेनेट पीपल, P3 मूवमेंट। हमें जब तक जन सामान्य को एनवायरनमेंट के लिए जागरूक नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की जो लड़ाई है उसके सिपाही नहीं बनाएंगे, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। और इसलिए भारत मिशन लाइफ को लेकर के अनेकविध देशों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। साथियों, स्मार्ट मोबिलिटी से शहरों का जीवन भी आसान होगा और कार्बन एमिशन के हमारे टारगेट्स को अचीव करने में भी मदद मिलेगी।